हृदय में बस गए श्री राम तो हनुमान हो जाए। चरण में रख दिए जो माथ चारों धाम हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए हनुमान जी के विषय में आख्यानक कथानक प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात और हनुमान जी को क्यों कालजयी कहा जाता है वह हर युगों में व्याप्त माने जाते हैं। कलयुग में भी उन्हें ही शाश्वत देवता के रूप में पूजा जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और इस नाम के आधार को प्रभु की महिमा को प्रभु की स्तुति में भी हनुमान जी के द्वारा दिए गए शब्द सीता राम को ही प्रमुख माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के सीने में उनके वक्षस्थल में सीता राम स्वयं विराजमान हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सीता राम का जाप करने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। ये कलयुग है, यहाँ केवल आधारा नाम प्रभु का है। ये कलयुग है, यहाँ केवल आधारा नाम प्रभु का है। जपे हनुमान सीता राम सारे काम हो जाए। इनको तो कहा गया है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत भी आ जा रहा, तो चारों युग में विद्यमान है, वर्तमान में बिल्कुल साक्षात कलयुग के साक्षात देवता तो यही हैं। आपकी जो भी परेशानी हो, कामना हो, वो बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। यदि भगवान राम को प्राप्त करना हो तो कहते हैं हनुमान जी की सेवा कीजिए, और हनुमान जी की प्रसन्नता चाहिए है तो भगवान राम का नाम जपिए। अगर इनको प्रसन्न करना है तो इनके सामने जितना संभव हो सके सीता राम का जाप करना चाहिए। इन महानतम कलयुग में भी प्रकाट जिनका माना जाता है, जिनकी जयंती मनाई जाती है और जिनके स्मरण मात्र से ही वह सर्वथा विद्यमान पाए जाते हैं। कपि श्रेष्ठ के तौर पर हनुमान जी माने जाते हैं और कपियों के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। कलयुग में हम देखते हैं कि किसी भी देव स्थान पर जब हम जाते हैं तो कपियों का एक जमावड़ा होता है, और ऐसा हम मानते हैं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं कि उन कपियों के स्वरूप में हनुमान जी का अंश होता है। लेकिन आखिर हनुमान जी स्वयं किसके अंश हैं, स्वयं किसके अवतार हैं, इन सारे विषयों को लेकर के, इन सारी चीज़ों के तथ्यात्मक और प्रामाणिक रूप में हम कैसे बातें करते हैं, क्या प्रामाणिकताएं हैं इन चीज़ों की, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजरंग बली का जो जन्म हुआ है तो उनके जन्म को लेकर के जो तिथि और जो समय काल रहा है वो क्या था। सबसे पहले जय श्री राम सभी दर्शकों को और जय हनुमान। शुक्ल चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उनका भगवान हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री हनुमान जी महाराज का जन्म है चैत्र की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि जो अपनी भक्ति की शक्ति से उच्चतम देव स्थान को प्राप्त किया जिन्हें, और ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णित है कि सतयुग में भगवान श्री विष्णु जो कि भगवान शिव के परम आराध्य हैं, उनने उनका मोहिनी स्वरूप देखा समुद्र मंथन के समय। वो स्मृति उनके दिमाग से निकल नहीं रही थी, बार बार उस मोहिनी छवि को देखने की उनके अंदर इच्छा थी, और उनने जो है भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें पुनः मोहिनी रूप का दर्शन कराएं और मुझे जो है 11वें रुद्र के रूप में अंजनी माता के गर्भ से जन्म लेना है, तो आप उसमें सहायता प्रदान करें। और एक जन्म और इनका मनाया जाता है दीपावली के समय चतुर्दशी को इनका जन्म। वो जन्म यही है जब इनको वज्रपात हुआ था इंद्र के द्वारा, और उस दिन ब्रह्मा जी ने इनके अंदर प्राणों का संचरण किया था, तो कहते ना लौट के जन्म हुआ, पुनर्जीवित। एक जन्म वो भी मनाया जाता है इनका, वो पुनर्जन्म वाला है, लेकिन जो वास्तविक जन्म हुआ है इनको चैत्र की पूर्णिमा जो हम हनुमान जयंती के नाम से मनाते हैं। ये भक्तों के लिए हर पल हमेशा ही सहज मिलते,
जहां देखो जहां सोचो वहीं हनुमान मिल जाए। हनुमान जी काल जयी हैं, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर की बात हो, और चाहे कलयुग की बात हो, चाहे सतयुग की बात हो, हर युग में हनुमान जी शाश्वत स्वरूप में पाए जाते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हनुमान जी किनके अवतार हैं, किन देवता के अवतार हनुमान जी? देखिए, हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान शिव के अवतार हैं, शिवांश हैं, है ना। इसलिए इनको भगवान शिव का 11वां अवतार मानते हैं। और रुद्र अवतार हैं, जैसे 11वें अवतार हैं भगवान शिव के, तो इनका जब अवतार हुआ, जब इनका इनकी पुनर्स्थापना हुई, इनका स्थापन हुआ, तो उसके पीछे की क्या कथा थी कि क्यों हनुमान जी अवतरित हुए शिव के अवतार के? देखिए, एक तो यह कथा यदि आप रामचरितमानस उठाएं तो नारद मोह से जुड़ी हुई है। नारद जी को एक बार गंगा के तट पर तप कर रहे थे, कामदेव आए और काम ने उनको मोहित करने की चेष्टा की, तो नारद जी को कोई मोह नहीं हुआ और ना नारद जी उनके ऊपर क्रोधित हुए। तो कामदेव उनको नमन करके प्रणाम करके तो चले गए। अब नारद जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया। नारद भगवान जो है विष्णु भगवान के पास गए, बोले प्रभु प्रणाम। भगवान ने उनको प्रणाम का जवाब दिया, बोले प्रभु आपकी भक्ति और शक्ति से बोले जो है मेरे को माया छू भी नहीं पाई है, माया छू नहीं पाई है। नारद जी से बोले भगवान, बोले नारद जी आप ऐसा मत विचार करिए, माया कहाँ नहीं है, कहाँ किसको नहीं छू सकती है। अरे नहीं प्रभु, आपकी भक्ति की शक्ति। बोले ठीक है, ऐसे ही मान लो। भगवान ने कहा इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनको अहम हो गया है। तो भगवान ने एक विश्व सुंदरी बनाई और नारद जी के सामने प्रकट कर दी। अब नारद जी को मोह हो गया विश्व मोहिनी से, उनको लगा कि ये तो हमारे लिए है, लेकिन उनने अपने आप को देखा कि भाई हम तो जो है राजकुमार जैसे नहीं लगते हैं, हम तो साधु जैसे लगते हैं, तो उन्हें ऐसा जो है भव्य रूप होना चाहिए हमारा, तब तो जो हमारा पालन करेगी। तो उन्हें भगवान विष्णु से बड़ा तो कोई भव्य रूप है ही नहीं है। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जाते हैं तो वहाँ पर जो है भगवान से बोलते हैं प्रभु हरि आप हमें अपना रूप कुछ समय के लिए प्रदान करो। भगवान तो समझ गए थे कि समस्या क्या है और कहानी क्या है, उन्हें ठीक है जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हो जाए। हरि का मतलब बानर भी होता है, तो उनने बंदर वाला रूप दे दिया उनको। वहां पहुंचे, अब विश्व मोहिनी का स्वयंवर था, ये तो भगवान की माया थी। अब नारद जहां जहां विश्व मोहिनी जाए नारद जी सामने, अब वो बंदर का मुंह देखे तो मुड़ जाए, और भगवान आए अपना रूप लेकर के और विश्व मोहिनी को ब्याह के ले गए। तो दो उनके गण थे भगवान के, वो हंसने लगे भोलेनाथ के, वो हंसने लगे, अरे बोले चेहरा देखा है आपने, ऐसे कैसे रुक जाएगी, चेहरा देख के आओ। जैसे जलाशय में जाके उनने अपना चेहरा देखा तो बंदर का, तो नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, हताश हो गए, भगवान के पास गए शिकायत लेके। भगवान बोले आपसे हमने अपना हरि का रूप मांगा था, आपने जी कहा दे दो। बोले हरि का मतलब बंदर भी होता, हम समझे बंदर का रूप चाहिए। तो फिर उन्होंने भगवान को श्राप दिया था कि आप पत्थर हो, उनको श्राप देते हैं, उन्होंने उनको श्राप दिया तुमको अब बंदर ही लोग सहायता करेंगे। तो शंकर जी ने कहा इससे अच्छा रूप कौन हो सकता है, भगवान को यही ज़्यादा पसंद है, तब तो उनने ये बनाया। तब शिव जी ने मन में ठान ली कि मैं बानर के रूप में अवतरित होऊंगा, अंजनी के गर्भ से इन्होंने बानर के रूप में जन्म लिया, क्योंकि अंजनी माता जो थी भगवान शिव की अनन्य भक्ति थी, उपासना थी। भुला कर सब समस्याएं जपो हनुमान सीता राम, जो जप लोगे हृदय से सारे बिगड़े काम हो जाए। राम जी से जब त्रेता की बात करते हैं तो राम जी के ये परम मित्र परम भक्त कहे जाते हैं। प्रथम बार हनुमान जी की और राम जी की मुलाकात कब होती है? प्रथम बार उनका जब बाल रूप था
तो जो भोलेनाथ हैं उनके आराध्य भगवान विष्णु और उनके जितने अवतार उनके आराध्य हैं, और जब उनको मालूम हुआ कि भगवान ने अयोध्या में अवतार ले लिया है, जब भगवान का जन्म हुआ तो शिव जी इनको मिलवाने के लिए ले गए थे अयोध्या, और उस समय ये बहुत छोटे थे प्रभु। ये वहां पहुंचा, लेकिन उनका डरावना रूप भोलेनाथ का ओघाड़ा, तो मैंने कहा यार कि भगवान की सेवा करने कैसे मिलेगी। पहुंचे वहां पे तो नहीं, चलो बाबा बहुत डरावने हो, आगे जाओ तुम भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई। तो ये अपने साथ जो है अपने स्वरूप बंदर को बाल रूप में लेके आया, उसका डांस दिखाने लगे मदारी का। और जब शिव जी ने मिलवाया राम जी से, तो राम जी को देख करके, इनको देख करके बड़े मोहित हो गए और बहुत प्रसन्न हो गए। तो वो जो जिद करते हैं कि हमको बंदर चाहिए, तो बंदर वो उनको राजा क्या हुई, बंदर दे दो आप, जो कछु चाहिए जो पैसा चाहिए लो हमसे। तो वो तो चाहते ही थे कि तुम बंदर लो हमारा, हम तो खुद ही बंदर हैं। तो वो उनकी सेवा में छोड़ के उनकी सेवा करें, उनके साथ खेलें कूदें, उनकी बाल लीला का आनंद उठाते थे वो, इसलिए भोलेनाथ उनको छोड़ गए थे वहां पे। वो उनका स्वरूप है, उनका रुद्र है, और अपने रुद्र रूप में उनने जो उनकी बाल लीला का पूरा आनंद लिया जितना ले सकते थे उससे ज्यादा। फिर बाद में जब जो है जब विश्वामित्र जी जो है उनको लेने आए, जंगल में अशांति मची हुई थी, ऋषि मुनियों को जो है नशाचर लोग मार काट रहे थे, उनको पूजन हवन नहीं करने दे रहे थे जैसे आजकल होता है, तो कोई ना कोई आता ही है चाहे मोदी दादा आ जाए तो उस समय विश्वामित्र जी उनको ले गए, तो भगवान ने कहा कि अब इनका कोई काम नहीं है। तो उन्होंने उनको बोला हनुमान जी अब आप जाओ, अब जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तीव्र, तो फिर सबसे पहले आप हमसे मिलने आओगे। और वहां से दे दोनों अलग अलग हो गए। बसा लो हृदय में हनुमान को, सब छोड़ दो उन पे, कहो हनुमान से सब राम, कहो हनुमान से सब राम, सीता राम हो जाए। हृदय में बस गए श्री राम तो हनुमान हो जाए, चरण में रख दिए जब माथ चारों धाम हो जाए। हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूल गई थी, एक साधु के द्वारा उन्हें श्रापित किया गया था, जिसके अंतर्गत यह हुआ कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां स्मरण नहीं रहेंगी जब तक कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में कोई दूसरा स्मरण नहीं करवाता है। तो क्या कथा है उसके पीछे, और किन साधु के द्वारा यह श्राप दिया गया था और क्यों दिया गया? क्या है कि कपी मतलब चंचल प्राणी, उसका जो है प्राकृतिक स्वभाव है उसका, उदम करते थे बलशाली भाई, जहाँ बल और उदम तो फिर तो दोनों एक दूसरे से हुड़ लगाते हैं कि बल बड़ा है कि उधम बड़ा है। तो ये उधम इतना करते थे कि पता चले कि ऋषियों की झोपड़े ले जाएं उठा करके समुद्र में फेंके आए, कोई ऋषि बैठे ध्यान में ये पीछे से जा रहे हैं उनको उठा करके ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं। फिर ने मातंग ऋषि से छेड़खानी कर दी, अब तपस्वी है, गुस्सा आ गई, गुस्सा क्या आ गई, माया की लीला को वो भी जानते थे, सच्ची बात तो ये है वो सब सके आएगी भगवान के ऊपर किसको आएगी वो जानते थे। उनने कहा ये बल जो है इसका जो बांध कर रखना होगा, जब इसकी आवश्यकता होगी जैसे बांध को बांध दिया और जब पूरे गेट खोल दो बांध के, तो वो जो सैलाब होता है जल का वो जो है लोग देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उसका इतना प्रचंड रूप होता है। तो उनको उनके बल को उनकी बुद्धि को उनकी शक्ति को श्राप के रूप में मर्यादित कर दिया कि जाओ जो कुछ तुम्हारे जितने अंदर बल शक्ति है विद्युत है सब तुम भूल जाओ। तो मतंग ऋषि के द्वारा इनको श्राप मिला था। और तब फिर जब जामवंत ने यहाँ समुद्र पार करने उदधिक्रम करने के लिए इनको स्मरण दिलाया कि हनुमान तुम तो सब कुछ कर सकते हो, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत सबसे बुजुर्ग थे सेना में इनके साथ में, और उन्हें सारा ज्ञात था और उनको बताया गया था कब इनको इनकी शक्ति का ज्ञान करवाना है। जब वहां पर दक्षिण में सब पहुंचे तट के किनारे भारत भूमि के,
तो वहां पर जो है समुद्र किनारे सब लोग बैठे, उसके आगे उनको रास्ता नहीं दिख रही थी। तब सब लोग सोचते हैं भाई समुद्र पार कौन जाएगा। जामन बोलने के बोले मैं जब जवान था तो मैं 3 चक्कर एक सांस में लगा लेता था सूर्य भगवान के, और मेरे को सूर्य की लपट भी जो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालते थे। अंगद जी से बोला, अंगद जी युवराज थे वो, उन्हें बोले भैया मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। चला तो जाऊंगा मैं, लंग ले आने की गारंटी नहीं। अरे तो भैया आप युवराज हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते भाई, मैसेज लौटना भी चाहिए और आप युवराज हैं, पर हम आप गए तो हम लोग का क्या मतलब। तो उन्हें हनुमान जी कहाँ हैं भाई, तो हनुमान जी कोने में अपने आराम से बैठे थे, अपनी शक्तियों को भूले हुए तो हाँ अपने सीताराम कर रहे हैं, बस एक मालूम कि हमें सीताराम करना है। तब उनको याद दिलाया गया कि आपके अंदर तो आप तो सूरज को निकल गए, आप तो ऐसा कर सकते हैं, आपसे कौन सी बड़ी बात है, लंका को तो आप जड़मूल से उखाड़ लाओ, सब चीज तब उनको याद आती है। तो जाम मंत्र ने बताया कि तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। तब इन्होंने कनक भूतराकार शरीरा, जैसे ही इनको याद दिलाया तो ये विशाल काय हो गए। बोले बताओ क्या करना है, लंका उठा के लाना है, अकेले नहीं केवल तुम्हें पता करके आना है। जैसे ही उनको याद दिलाया कि ऐसे ऐसी बात है, आप तो बल के बुद्धि के सागर हैं, आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आप जो है महान स्वामी हैं आप, और आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तब उनको याद आता है तो अपना तुरंत बहुत विराट रूप धारण करते हैं, और वहाँ पे एक पर्वत रहता है उसमें खड़े होते हैं, और जैसे ही जय श्री राम का नारा लगा के जयकार लगा के जैसे ही वो छलांग मारते हैं तो वो उनके प्रत्युवेल से प्रत्युबल होता है, जो प्रत्युबल न्यूटन का नियम है गति की विपरीत है ना, तो उनके प्रत्युबल से वो पहाड़ जो है जमीन में घुस गया, गड्ढा हो गया वहां पे, और न छलांग भरी और एक फिर सब दुनिया जानती है कि उनने समुद्र में क्या घटनाएं हुई उनके साथ। कहानी है नहीं कुछ भी, कहानी है नहीं कुछ भी, हकीकत है सभी कुछ ही। कहानी है नहीं कुछ भी, हकीकत है सभी कुछ ही, जो चाहेगा हृदय से उसको दर्शन सुबह शाम हो जाए। वैसे तो सामान्य तौर पर बजरंगबली के 108 नाम बताए गए, लेकिन जिन 12 प्रमुख नामों की चर्चा होती है, अब हम उन 12 नामों के विषय में चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बजरंगबली का नाम हनुमान है, हनुमत, तो इसके पीछे की क्या कथा है पंडित? देखिए हनुमान नाम, इनका प्रथम जो नाम था मारुति था, जो नामकरण हुआ है मारुति नंदन है ना। फिर हनुमान नाम इनका तब पड़ा जब इन्होंने सूर्य को ग्रसा और इंद्र के द्वारा इनके मुख पर वज्रपात हुआ। हनु मतलब होता ठोड़ी, ठोड़ी में लगा उनका वज्र और ठोड़ी उनकी थोड़ी तिरछी हो गई और वहीं पे विमूर्छित हो गए। फिर सब देवताओं ने इकट्ठे हुए, उन्होंने पूछा ये क्या कर दिया आपने, पर उनको होश में लाते हैं और सभी देवता वरदान देते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे नाम से जो अस्त्र शस्त्र चलते हैं, ये आपके लिए सब निष्प्रभावी रहेंगे और आज से आपका नाम हनुमान, हनुमान। बजरंग बली इनको कहा जाता है, जो बाद में बजरंग बली के रूप में परिवर्तित हुआ। तो बजरंग बली के पीछे की, बजरंग बली इसलिए इनका जो देह है वरदान में इनको वज्र देह है, मिसालाब देहम स्वर्ण सैलाब देहम भी बोलते हैं, तो इनकी देह इतनी वज्र हो गई कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का वज्रघात नहीं किया जा सकता था। इंद्र का वज्र भी इनके ऊपर प्रभावहीन हो जाता था ना, कोई अस्त्र शस्त्र उनको जो है शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, तो महावज्र है वो, और जिसका महावज्र शरीर है वो बजरंग है, बजरंग है वज्र से भी बली है वो, बली बल से ओत प्रोत, तो बजरंग बली है, बजरंग बली है, थोड़ा दुश्मन की नली है, तो जब किसी को डर लगता है तो यही बोलता है थोड़ा दुश्मन की नली। अभी हम बजरंग बली को पाते हैं तो यह हमेशा भगवा सिंदूर से सिंदूर के रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं, इसके पीछे की क्या कथा है? पहली कथा तो जब हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था तो
इनको कहते हैं लाल देह लाली लसे, वैसे भी लाल थे भाई। हनुमान जी महाराज जो है माता सीता और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो उनके पीछे छाए जैसे, कब हमारी सेवा की जरूरत पड़ जाए, हम तत्पर हैं बिल्कुल उनकी सेवा में। तो भगवती सीता एक बार श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अंगार होने के बाद आखिरी में वो बेहतरीन जो है मांग भर रही थी सिंदूर से, अबे भूले हैं जैसे आपने बताया पिंगलाक्ष, अब भूले हैं। तो हमने पूछा माता जी जी का लगा रही हूँ, तो माता बोली बेटा ये प्रभु के नाम का सिंदूर है, बोले इसको इसलिए लगाते हैं कि वो जो है दीर्घायु हों स्वस्थ रहें, उनकी मंगल कामना के लिए हम लगा रहे हैं। अच्छा तो हमें पहले का ही नहीं बताई। अरे बेटा जब तुम पूछो तभी तो बताएं हम। तो ना ठीक है, उनने कहा जरा सी लाइन लगावे से वो भगवान को इतनो दीर्घायु महामंगल स्वस्थ सब प्रकार से प्रभु को लाभ हो रहा हो, तो हम तो पूरे शरीर में लगा ले हैं, तो देखो कितना बड़ा लाभ हुई है, कितना बड़ा मंगल होगा। तो अपने पूरे शरीर में लगा लिए, सबने देखे नाटक उनका। अन्य जो कहा हनुमान जी दरबार पहुंच गए, बोले हनुमान जी जी कहा लाल लाल पोत के आ गए सिंदूर पोत के। तो बोले बड़े भोले पंत बोले प्रभु माता लगा रही थी, तो हमने पूछी तुम्हारा जो कहा लगा रही हूँ। तो हमने कहा जब इतनी सी लाइन लगाए में प्रभु के तो लाभ हुई है, तो हम पूरे शरीर में पोत ले हैं तो फिर तो और ज्यादा हुई है, इसे हमने लगा लो। भगवान सब लोग तो पौचक्का हो गए, भगवान समझ गए उनकी भावना, भगवान भक्ति की भावना समझा। तो बोले धन्य हो हनुमान, बोले तुम्हारी भक्ति आगे तो हम भी नतमस्तक है। और हमेशा इनके पीछे लाल लगता है, बजरंग लाल, हनुमत लाल। लाल इसलिए क्योंकि ये राम जी के भी लाल हैं, और इनको केसरिया कलर ज़्यादा पसंद है क्योंकि केसरी नंदन है, केसरी नंदन है, इसलिए इनके साथ केसरिया और लाल कलर जुड़ा हुआ है। पिंगाक्ष कहा जाता है इनको, पिंगाक्ष, ये नेत्रों की वजह से, भूरे नेत्र होने की वजह से इनको पिंगाक्ष कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इनको दशग्रीव दरपाह कहा जाता है, इसके पीछे का क्या? दशग्रीव जब युद्ध करने आया भगवान से, तब जो है ने जो हुंकार भर को एक ठूसा मारा तो वहां मूर्छित हो गया था वो रावण। दशानन दशग्रीव जो है मूर्छित होकर अपने रथ में गिर पड़ा था, और उसने उसको समझ में आ गया कि ये जिसने मारा है ये कोई साधारण वानर, उस दिन समझ में आता उसको। और पिंगलाक्ष जो है इसलिए भोले हैं, भोले के सायुज आके भोली अपने आराध्य के सामने भोले हैं। तब तो उनके आराध्य की राम माता श्री भगवान श्री राम और माता सीता की शक्ति उनके साथ चलती है। इसके अतिरिक्त इनको फल्गुन सखा भी कहते हैं, फल्गुन श्री अर्जुन का एक नाम है, पार्थ का एक नाम है, उसके पीछे की। अर्जुन को अहंकार हो गया था अपने तीरंदाजी पर, तो भगवान ने ही अर्जुन का जो अभिमान हो गया था उसको भंग करने के लिए हनुमान जी महाराज को उनके पास भेजा, और अर्जुन कुछ पुष्प वगैरह लेने गए थे, कमल वगैरह लेने गए थे पूजन के लिए, बीच में मिल गए हनुमान जी। तो हनुमान जी ने उनको रोका कि आप ऐसे नहीं जा सकते, पूंछ अपनी बढ़ा दी, बोले आप उत्साहित थे, अब अर्जुन कहाँ मानने वाली, वो तो अभिमान से भरपूर थे, बोले तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर संसार में नहीं है, बोले राम भी मेरे सामने धनुर्विद्या में फैले हैं। बस ये कहना हुआ कि इनका क्रोध, बोले कैसे धनुर्धर, कहने राम जी ने तो बाणों को इकट्ठा करके पुल बनवाया था, हम तो अपने बाणों से पुल बना सकते हैं, बोले तुम्हारे बनाए हुए बाणों के पुल को मेरा जैसा तुच्छ बानर एक पैर में धराशाही कर सकता था, हमसे भी बलशाली वहाँ बानर थे और ऐसे ऐसे राक्षस थे, ऊपर से आकर के चट्टान फेंकते तो तुम्हारी पुल धराशाही हो जाता।
बोले कोई नहीं कर सकता, तुम करके दिखा सकते हो। तो दोनों में ऐसी स्पर्धा हो गई। अर्जुन ने बाणों के द्वारा पुल तैयार किया, हनुमान जी महाराज ने उसको एक मिनट में तोड़ दिया, एक छलांग मारी और उसके ऊपर कूने हैं, पुल तुरंत टूट गया। तो अर्जुन के बोले कि अब प्रतिज्ञा अनुसार मुझे जीने का अधिकार नहीं, मैं अपने आप को। तब भगवान आए और उन्होंने उसका समाधान किया, क्योंकि सबकी चाबी तो भगवान श्री कृष्ण के पास है ना। तो अर्जुन को समझाया सारी बात, तब अर्जुन को ये एहसास हुआ कि नहीं, राम जी भी कोई धनुर्धर थे, चाहते तो राम जी एक बाण में मना सकते थे, लेकिन भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, उन्होंने कभी अपने साथ माया को लेकर नहीं चले। हो भगवान श्री कृष्ण मायापति हैं। हाँ, और जो लोग उनकी भक्तों की पूजा करते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। आप भगवान को कहते हो लपट जाओ, चपट जाओ, मोहन भोग खिला दो जी, वे नहीं, उनके तो भक्तों को जब वे तृप्त हुए तो वे तृप्त होते हैं। ये है अर्जुन सखा, इसलिए है वो कि अर्जुन के रथ में ध्वज के रूप में, ध्वज के साथ वो विराजमान थे पूरे युद्ध में, इसलिए उनको अर्जुन सखा। अब हम दूसरे नाम की चर्चा करते हैं, इनको अंजनी पुत्र या अंजनी सुत कहा जाता है, तो इसके पीछे का? अंजनी पुत्र इसलिए कहा क्योंकि अंजनी इनकी माँ हुई, उनसे इनका जन्म हुआ, इसलिए अंजनी पुत्र कहलाए। केसरी इनके पिताजी, इसलिए इनको केसरी नंदन कहा जाता है। पवन देव इनके धर्म पिता हैं, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। यही बात है कि अंजनी और केसनी जब प्रभु की आराधना कर रहे थे और भगवान शिव को अपने गर्भ से पुत्र के रूप में चाह रहे थे, तो वायुदेव ने उनकी इच्छा को प्रभु शिव से जो है तो बताया था, और फिर शिव जो है तो गर्भ में आकर के हनुमान के रूप में जन्म लिया। और इनको गति भी वायुदेव के द्वारा ही मिलती है, इनकी गति आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी गति है, मन से भी तेज चलने वाले हैं, इसलिए भी हनुमान कहा जाता है, मन की गति से तेज इनका वेग है। अब हम बात करेंगे हनुमान जी के विवाह को लेकर के। ब्रह्मचारी हनुमान जी माने जाते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी का विवाह हुआ था? क्योंकि कुछ किंवदंतियों में ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का विवाह भी सूर्य भगवान से दीक्षा लेने के समय पर जब वो गए थे तो उस दौरान की एक घटना। देखिए क्या है कि हम जिन पुराण या जिन शास्त्र के आधार पर हम लोग जो है अपनी, हमारी जो मन स्थिति बनी है, हमारी श्रद्धा भावना बनी है, उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, अतुल्यत बलधामम है में सही लाभ देहम धनुजमन कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणम धीजम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सभी जगह जो जितना अपन ने पढ़ा समझा है, जितना अपन को विद्वानों के सत्संग से मालूम हुआ, ब्रह्मचारी हैं और उसको अपन लोग मानते हैं। लेकिन साउथ में हमने सबसे पहले जब देखा 1994 में काशी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम हुआ था, कला साधक संगम, विश्व कला साधक संगम, इसकी मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी जी आए थे, और बड़े बड़े फिल्मों के कलाकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े चित्रकार, बड़े बड़े मूर्तिकार उस कार्यक्रम में आए थे। वहाँ पर एक चित्रकार दक्षिण का, वो एक कैलेंडर लेके आया था, फोटो बनाता था, उसमें जो भगवान हनुमान जी उनके बाजू में उनकी पत्नी और दो बच्चे उनकी गोद में बैठे थे, उसमें लिखा हुआ था हनुमानाज एंड हिज फैमिली। तो जैसे उसने दिखाया हमको, तो हमने देखा उसको, चित्र बोल लीजिए बताया उसने अपनी, वो हिंदी नहीं जानता था, अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं जानता था, किसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाए उसको, हमने बताया वो ये कैसे बोलने, उनकी तो शादी हुई थी हमारे यहाँ जी वो, तो हमने कहा हम लोग यहाँ किसी के सामने अगर बोल देंगे बता देंगे तो पीटने लगेगा, उसका तो मजाक में बोला हमने। तो उसने बताया हमको और हमने देखी, तो हमारा मन तो कई दिन तक खराब रहा, हम आपको बताएं। फिर उसमें जब कहीं थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो कुछ ऐसी जानकारी लगी कि ये जब सूर्य भगवान से दीक्षा लेने लगे तब जो है उनने बोला कि भाई सपत्नी के लिए जा सकती है,
तब उनने बोले जो ये शादी की, ऐसा सुनने में आया। लेकिन वो कितना प्रमाणिक है, कितना क्या है, क्या वो क्षेत्रीय तौर पे ऐसी वो लोग जो मान्यता है या जो भी हो, उसके बारे में विद्वान लोग ही ज़्यादा उसको विश्लेषित कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमने समझा कि हमारी मान्यता ब्रह्मचारी हैं, जितेंद्री हैं, तो मतलब हैं, मतलब हैं। हनुमान जी महाराज के कभी विवाह तो हुआ नहीं, या किंवदंतियाँ अनेक प्रकार की लोग बताते हैं, उसको हम नहीं मानते, क्योंकि शास्त्रोक्त बात जब तक हमें शास्त्र में प्रमाणित न मिले तो हम उसको मानते नहीं हैं। पर ये जरूर है, ये जरूर शास्त्रों में आया कि इनकी पसीने की बूंद से मकरी ने इनके पसीने को ग्रहण किया था, उससे मगर का जन्म हुआ, मकरध्वज नाम का एक, तो इसलिए इनका पुत्र हुआ। उससे लोग जोड़ देते कि विवाह हुआ है, लेकिन विवाह नहीं हुआ इनका, क्योंकि इनके पसीने में भी बहुत पावर था। जो कि मानस में तो नहीं है, मानस में नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण में ये चीज़ है। हाँ, वाल्मीकि रामायण में है, और भी अन्य ग्रंथ हैं, वहाँ भी देखने में आता है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर देन जानकी माता, वो आठ सिद्धियाँ और नौ रत्न कौन से? अष्ट सिद्धि नौ रत्न के विषय में तो हम ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अष्ट सिद्धि अणि माणिक अणिमा, इस टाइप की कोई सिद्धियां हैं जो भगवान जब चाहें छोटे हो जाते हैं, जब चाहें अपना आकार बढ़ा देते हैं, ये इनकी अनेक सिद्धियां हैं। जब सूक्ष्मता लघिमा, हाँ, लघु हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं, मसाकराब समान रूप धरे, है ना, हाँ, तो छोटा सा छोटा रूप, बड़ा से बड़ा रूप, बड़े रूप का दर्शन उन्होंने सीता जी को कराया, विराट रूप का अपना अशोक वाटिका में। कलयुग केवल नाम आधारा, सीताराम सीताराम का वाचन करते रहिए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मन क्रम और वचन से हनुमान जी की भक्ति में, राम जी की भक्ति में संलग्न हो जाइए, आप इस संसार से तार हो जाएंगे, इस संसार से आप मोक्ष के मार्ग पर निकल जाएंगे। ऐसी कामना के साथ, ऐसे आशा के साथ हम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हैं। तो अपने हनुमान जी महाराज जो है, ये वास्तव में अगर देखें तो पूरी दुनिया और खासतौर पे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, नौजवान खासतौर पे, उनके वो नायक हैं, महानायक हैं वो, उनके हनुमान जी महाराज, हाँ, है ना, महानायक है वो।